प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें। रिप्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने घर की अंतिम रोटी खाने में यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों शुरुआत स्टार्टिंग यानी कि पूर्व दिशा, ये दिशा होती है गुरु बृहस्पति की। पश्चिम यानी कि अंत, ये दिशा होती है शनि की। वैसे ही जो शुरुआत यानी कि पहली रोटी आपके घर में जो बनती है, ठीक है, वो होती है गुरु बृहस्पति की, और अंतिम रोटी जो होती है वो होती है शनि की। जैसे कि शनि का वास हमारे शरीर में पैरों में होता है, आप काफी लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि पैरों में शनि का वास होता है, यानी कि पूरी बॉडी का अंतिम हिस्सा। तो दोस्तों यदि आप अपने घर में अंतिम रोटी, पहली रोटी अगर यूज करते हैं, खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो शुरुआत है। लेकिन अंतिम रोटी अगर आप यूज करते हैं खाने में, तो आप अपनी मुसीबतों को घर में आमंत्रण दे रहे हैं। आज मैं आपको आपके घर की अंतिम रोटी का एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, जो सिर्फ यदि आप 11 दिन या 21 दिन करेंगे तो उसके बाद में रिजल्ट, आप एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारी, आधे से ज्यादा परेशानी आपकी सिर्फ एक रोटी खत्म कर सकती है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है, आपकी जो अंतिम रोटी होती है, ठीक है, किसी भी दिन से इस प्रयोग को कर सकते हैं। घर का मुखिया करेगा, मुख्य महिला करती है या मुख्य पुरुष करता है तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो घर का कोई भी मेंबर इस प्रयोग को कर सकता है, ठीक है। आपकी जो अंतिम रोटी होती है, वैसे दोस्तों पहली रोटी भी जो होती है वो हिस्सा जो होता है ये गाय का होता है, ठीक है। अगर हो सके तो पहली रोटी जो होती है, जो अग्राशन कहलाती है, इसको निकाल करके आप प्रतिदिन सुबह की रोटी, जो पहली रोटी होती है, गाय को खिलाना शुरू करिए। धन की बरकत होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, गुरु बृहस्पति आपके जुपिटर मजबूत होंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और परेशानियों का अंत चाहते हैं कि घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्च हो रहा है, बीमारी, दुश्मन या कोई भी कार्य अंत तक आता है और कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो इसके लिए आप अंतिम रोटी का प्रयोग करें। अंतिम रोटी जब आपकी बनती है तो उसको अलग रख दें। यह प्रयोग आप रात्रि में करेंगे क्योंकि शनि ग्रह का उदय होता है सूर्य अस्त के बाद में, है ना। तो आपको जो अंतिम रोटी बचती है उसमें आपको 3 बार 3 बूंद सरसों का तेल आपको डाल देना है, ठीक है। उसको आप पूरा कवर कर देंगे, पूरे में रोटी में लगा देंगे, फोल्ड कर दें, अंगूठा और आपकी ये कनिष्का उंगली, सॉरी तर्जनी, ठीक है, दोनों उंगली से रोटी को आपको पकड़ना है। रोटी पकड़ के ओम शम शनिश्चराय नमः 3 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। अब इस रोटी को लेकर के आप घर से बाहर जाएं, घर की पश्चिम दिशा में कहीं भी कोई वृक्ष हो, कोई पौधा हो आपकी हाइट से ऊंचा, इस चीज का ध्यान दें कि आपके हाइट से ऊंचा कोई भी आपको पेड़ मिल जाए, पौधा मिल जाए, ठीक है, वहां पर उस रोटी को आप रख दीजिए। इस प्रयोग को रात्रि में ही करना है, रात्रि की अंतिम रोटी में वहां रख के घर वापस आ जाइए। ये दोस्तों जो रोटी आप किसी भी वृक्ष के नीचे रखेंगे, तो दोस्तों जिंदगी में परेशानियां कहां से आती हैं, ग्रहों की वजह से, कुछ ऐसी नेगेटिविटी की वजह से, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से, कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं, कुछ अतृप्त शक्तियां होती हैं, है ना, जो घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, ये रोटी के, आप जब रोटी लेकर के जाएंगे तो आपके पीछे पीछे जाएंगी। रोटी जब आप छोड़ करके जाएंगे, वृक्ष के नीचे रखेंगे, तो ये सारी नेगेटिविटी आपकी उस रोटी में समा जाएगी। ये प्रयोग दोस्तों एक बार में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ग्रह दोष होते हैं, ठीक है, वास्तु दोष होते हैं, एक दिन में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कोई बीमारी है और आप सोचे कि एक दिन दवाई लेने से वो खत्म हो जाएगी, तो खत्म नहीं होती है, कम से कम 11 दिन या 21 दिन और आप चाहें तो कंटिन्यू उस प्रयोग को करते रहें। जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। सुबह जाइए, टहलते हुए देख कर आइए, रोटी गायब है, किसी भी जीव जंतु ने खा लिया, किसी ने भी उसको ग्रहण कर लिया, समझ लीजिए कि आपका दुर्भाग्य कट गया। छोटा सा प्रयोग है, लेकिन दोस्तों ये प्रयोग करने के बाद में रिजल्ट जो आपको मिलेगा वह आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे उपाय किए लेकिन कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एक बार इस प्रयोग को करके देखिए।
बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, तांत्रिकों के पास में जाते हैं, बड़े बड़ा अमाउंट आप वहां पर पे करते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। शनि ग्रह आपके बैलेंस होंगे, साथ में राहु, आपके राहु भी बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि शनि के सेनापति हैं राहु, और इन दोनों ग्रहों का उदय राहु केतु शनि तीनों ग्रहों का उदय सूर्यास्त के बाद ही होता है। और ये प्रयोग आपका एक छोटा सा प्रयोग आपके तीन ग्रहों को एक साथ बैलेंस करेगा। राहु से संबंधित कोई पीड़ा है, शनि से संबंधित कोई पीड़ा है, या फिर नकारात्मक ऊर्जाओं से संबंधित कोई पीड़ा है, घर में कोई दोष है, तंत्र मंत्र है, किया कराया, टोना टोटका, ये सारे दोष आपके इस प्रयोग से खत्म हो जाएंगे। किसी की नजर है, किसी की हाय बद्दुआ लगी हुई है घर में, बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और दूसरी बात की कर्ज की समस्या है अगर, तो भी इस प्रयोग को करते रहें, क्योंकि शनि ग्रह जो होते हैं कर्ज इन्हीं के कारण होता है, मंगल और शनि कर्ज इन्हीं ग्रहों के दोष के कारण होता है। तो एक विश्वास के साथ में करिए दोस्तों इस प्रयोग को, और जो भी अनुभव आपको प्राप्त होता है अब 21 दिन के अंदर इसी वीडियो में आकर अपने अनुभव कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या रिजल्ट मिला। परिवर्तन आना है, 100% आएगा परिवर्तन, आप करके देखिए इस प्रयोग को। तो आज के लिए दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।